पढ़ा के अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाला करता था, अपने परिवार को भी हेल्प किया करता था, ऐसी स्थितियों से हम भी गुजरे हैं। तो मुझे याद आया कि हमारे अंग्रेजी का एक कायदा होता था, पैसा बच्चों के यहाँ होता होगा, ABCD वाला। अब उसमें अंग्रेजों के टाइम का एक जी फॉर जेंटलमैन रह गया। अब उस टाइम जब से जी फॉर जेंटलमैन और कायदा पढ़ाया जाता है, उस टाइम बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी काम करती है सर। जैसे आज मुझे बच्चों ने बोल दिया कि साहब हम जानते हैं क्योंकि आपकी फोटो थी, तो सर फोटोग्राफिक मेमोरी काम कर रही होती है और वो जी फॉर जेंटलमैन उसके दिमाग में भर जाता है और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और एक पिता, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, एक पिता जो गल जाता है उसकी पढ़ाई में, जब वो बड़ा होता है, जब वो कॉलेज पहुँचता है या किसी काबिल बन जाता है, और उसके पिता जो मोची हो सकते हैं, जो प्लम्बर हो सकते हैं, छोटा दुकानदार हो सकते हैं, चपरासी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करता है, वो संघर्ष करने वाले पिता को कभी जेंटलमैन समझ ही नहीं पाता, क्योंकि जेंटलमैन की परिभाषा इस एजुकेशन सिस्टम ने उसको चीफ ऑफ जेंटलमैन को छोड़ दे गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं यहाँ पर चार आदमी खड़े कर देता हूँ, पांच आदमी कोने में, एक आदमी को टाई और कोट पहन के खड़ा कर देते हैं और बाहर से 10 बड़े आदमी ले आते हैं, उनसे पूछ लेते हैं वहाँ खड़े होते कि मैं जेंटलमैन कौन है, वो बता देगा वो टाई वाला जेंटलमैन है, चाहे वो जितना मर्जी खराब आती हो। तो इस तरह के हमारे एजुकेशन में छोटे 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 बहुत लैप्स हैं। अब जैसे हमारे इस तरह विलोम शब्दों का है, विलोम शब्द पढ़ाए जाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं कि स्त्री का विलोम होता है पुरुष, धरती का विलोम होता है उल्टा होता है आकाश, नौकर का उल्टा होता है मालिक। कैसे हो सकता है, कैसे इन बच्चों को समझ में आएगा, कभी कोई स्त्री पुरुष के बिना पूर्ण हो सकती है, क्या कोई पुरुष स्त्री के बिना पूर्ण हो सकता है? हमारी पूरी पूरी एजुकेशन सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट नाम का चैप्टर ही नहीं है। बच्चों आपकी कोई कॉम्प्लीमेंट को पूरा शब्द का कोई चैप्टर है आपकी किताबों में, बताओ हाँ या ना, कभी किसी ने बताया ऐसे आपको? हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में पूरा शब्द का कोई चैप्टर नहीं है। बिना अगर धरती ना हो तो आकाश की कल्पना की जा सकती है? अगर नौकर और मालिक उल्टा पढ़ा दिया गया बचपन में तो जिंदगी भर मालिक और नौकर हमेशा एक दूसरे को उल्टा समझते हैं, एक हमारी तरक्की ना होने के पीछे, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कह दिया तो ये इकोनॉमी बन गई, लेकिन ना तरक्की होने के पीछे ये छोटी छोटी वजहें जो हमारे बच्चों के दिमाग में भरती जाती हैं ये होती है, क्योंकि हमेशा एक मालिक और नौकर एक दूसरे को उल्टा समझते रहते हैं। अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर पढ़ाते, हम उनको पहले समझाते, तो होता ये कि नौकर अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता तो हमेशा ये सोचता कि मेरे मालिक को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, इस कंपनी में मुझे इस कंपनी की ज़रूरत है, और मालिक ये सोचता कि मुझे इस आदमी की ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे को पूर्ण कर पाते और मिलजुल कर काम कर पाते, तो एक वाव की फीलिंग आती है इससे। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक लर्निंग और टीचिंग में बहुत फर्क है, हमें टीच करा दी जाती है बहुत सारी बातें लेकिन लर्न नहीं कराई जाती। जैसे आपके बच्चों आपके चैप्टर में एक आता है कि हाउ टू ड्राइव से आता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो बच्चा जो ये पढ़ के आया है कि हाउ टू ड्राइव से वो सड़क पे जाके सेफ ड्राइविंग करेगा? रूल टेक गारंटी, कोई गारंटी नहीं ले पाता, क्योंकि उस चैप्टर की टीचिंग तो हुई लेकिन लर्निंग नहीं हो पाई। लर्निंग की जिन चीजों की होती है उन्हें कोई भूलता नहीं है। लर्निंग हुई 2+2=4 की, 2+2=4
90 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, वो स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके माँ बाप ने या अड़ोस में पड़ोस में जैसे भी हुआ उनको दो दो चार रन हो गया। उनसे पूछ लो 90 साल में भी दो दो कितने होते, वो चार ही कर रहे हैं, उनको तो पौने चार होते, वो समझौता नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। नई नई कहानियां होती है, एक कहानी होती है हमारी किताबों में, आप सबकी किताबों में कहीं भी पढ़ी होगी, सिंड्रेला परी की कहानी। एक परी होती है और बहुत सुंदर होती है, और एक राजकुमार से उसको अफेयर हो जाता है या चांदी मिल जाती है, और इस तरह से राजकुमार से मिल जाता है, और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उसको कोई क्या मिल जाता है, उसको उसको किसी ने श्राप दे दिया, श्राप मिल जाता है, वो प्रूफ हो जाती है, वो राजकुमार जी से उनका बुरे दिन रानी के उसके लड़के शुरू हो जाते हैं, परी के सिंड्रेला नाम की कोई कहानी होती है, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और राजकुमार से साइड में हो जाता है। फिर एक कोई वरदान मिल जाता है उसको अचानक, और वो सुंदर हो जाती है, सुंदर हो जाती है, फिर राजकुमार मिल जाता है। अब लिखने वाले ने तो ये लिख दी, एक अच्छी कहानी है, और पाठ्यक्रम में जो अथॉरिटी उस टाइम रही होंगी उन्होंने ये सोच के कि अच्छा टेक्स्ट है, एक छोटी कहानी है, बच्चों को पसंद आएगी, कोई अच्छा क्राफ्ट है, उन्होंने इसको पाठ्यक्रम में डाल दिया। लेकिन उन्होंने इसका इम्पैक्ट नहीं सोचा कि बच्चों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका सीधा मतलब जाता है बच्चों में, इस जमाने में इस दुनिया में रहना है तो सुंदर होना बहुत जरूरी है, चाहे जितना मर्जी मेकअप थोपना पड़े, जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगानी पड़े, या किसी के मुंह पर तेजाब फेंकना पड़े। आप सोच के देखिए, हमारे समाज की या किसी और समाज की ऐसी लड़की जिसके नैनदान अच्छे ना हो, जब वो एक किताब पढ़ती होगी उसके दिल पर क्या बीतती हो, कभी कोई नहीं सोचता। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें करनी चाहिए। बाकी बच्चों आप लोग काफी सौभाग्यशाली हो, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रहे हो, अच्छी सरकार है, तो लगे रहो और मेहनत करो। पिछली साल जितने बच्चे आए थे यहाँ 80% अलाउड, उससे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं उन्होंने, आज पहुँचे काम है, भरोसा चाहिए, खूब मेहनत करो, जरूर रंग लाएगी आपकी मेहनत, क्योंकि आपके पास दो ऐसे फलदार वृक्ष हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आप ये आपको जब भी खाली समय मिले तो चमत्कार, अंधविश्वास और ये सब जादू, बाकी सब किताबें, इन ये सब ना पढ़ के अम्बेडकरवाद की और संविधान की पुस्तक जरूर पढ़ें, और उसको जब तक आप कुछ बनना जाओ उसको दिल के कोने में छुपा कर रखो, क्योंकि जो फलों वाले पेड़ होते हैं उनको घर के सामने नहीं लगाया करते। आपके पास दो फलों वाले पेड़ हैं, एक गौतम बुद्ध और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको अपने दिल में छुपा के रखो, जब जरूरत पड़ेगी चट्टाने भी आपसे डरेंगी, इनको घर के आगे लगाओगे लोग पत्थर मारेंगे आपको, इसीलिए लोग पत्थर मारते हैं, इसीलिए लोग ताने देते हैं, क्योंकि आपके पास ये फल वाले पेड़ है। लोगों के पास सिर्फ हनुमान चालीसा है और कुछ भी नहीं है, ये फल देते हैं, ये साक्षात उनको पता है कि हाँ है। पिछली बार बहुत सामने बताया था कि कमल का फूल उन्होंने बीजेपी ने बुक से लिया, रवि जी जय भीम आइए आइए आइए। पिछली बार बहुत सामने बताया कि कमल का फूल लिया, बोलने वाला था सर जनसंघ ने तो दीपक उन्हीं से लिया था, दीप भी तो हमारा है, जनसंघ का जो दीपक था उनका चुनाव के वो भी तो हमसे ही उन्होंने लिया, तो उनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास दो दो फलों वाले पेड़ है, अंत में जीत निश्चित हमारी होगी।
चमत्कार सिर्फ कमजोर लोगों की निशान मतलब पहचान है। देखो करने वालों ने क्या क्या नहीं कर दिया। एक एडिशन था, वो कह रहा था साहब मैं पांच पैसे लॉसी निकाल दूंगा। लोग हंसते थे, ये पागल आदमी है। कितने हजारों बार फेल हुआ वो, और एक दिन उसने कांच का बल्ब बना के दिखा दिया। आज 1100 पेटेंट है उस आदमी के नाम, 1100 पेटेंट है उस आदमी के नाम। आज भी आपके घर के बिजली का मीटर एडिशन के नाम पेटेंट है। वो भी बच्चा रहा होगा कभी आपकी तरह। जुनून चाहिए, मुसीबतें सब पर आती है, सब मुसीबतों से निकलते हैं। पैदाइशी कोई ना अमीर होता ना कोई पैदाइशी विद्वान होता। आप पढ़ो सबकी कहानियां तब पता लगेगा। एक आदमी का ग्राम महल क्या रहा, मैं आपकी धर्मी की तरंगों से बात करा सकता हूं। कोई सोच सकता है कितना पागल कहते होंगे लोग उसे, लेकिन आखिर उसने कर दिखाया। ऑन योर मैं इसे खत्म करता हूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म हमें यही बताता है कि जो भावना और दया की और करुणा की जो बहती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है और बहनी भी चाहिए। यानी जो आदमी ऊपर है, हर आदमी में ऊपर है, उससे नीचे की तरफ जो आदमी नीचे फंसा हुआ है उसकी तरफ दया आनी चाहिए। लेकिन इकलौता हिंदू धर्म ऐसा है जहां ये सिखाया जाता है कि दया की भावना नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यानी जो आदमी दबा हुआ है, शोषित है, पीड़ित है, वो सेवा करेगा ब्राह्मण की। उसका गरीब आदमी का बाप भी मर जाए तो उसे पंडित को पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लाते थे। तो और हमारे तथागत बोध ना इनका कोई पर्यायवाची मिल सकता है, ना इनको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। उस जैसे ना कोई हुए, शायद ना कभी होंगे। उनका एक दिया हुआ सूत्र अपादी को होगा, इसी को अगर ढंग से समझ लें तो और कुछ पढ़ने पढ़ाने की, किसी धर्म को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता रखती है। और उनकी चाहे कॉम्प्लीमेंट नहीं है और पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उनके पीछे ये चेन है जो उनसे सीख सीख कर आगे बढ़ी। उसमें महावीर हैं और संत रविदास हैं, संत गुरु रविदास जी हैं, संत कबीर हैं, ऐसी एक चेन है। और उस सब चेनों के आप जो आधुनिक रूप हैं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।